हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीरो का फैक्टोरियल वन कैसे होता है। तो आइए पहले फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। तो कोई एक नंबर लेते हैं एन और उसके लिए फैक्टोरियल लिखते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ एन इज डिनोटेड बाई, पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं, डिनोटेड बाई एन का फैक्टोरियल और दिस। ये दोनों एन का ही फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऑफ एन पढ़ेंगे। दिस इज रीड एज फैक्टोरियल ऑफ एन, रीड एज फैक्टोरियल ऑफ एन, और आप पढ़ सकते हैं एन का फैक्टोरियल, और डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हम जिस भी संख्या का फैक्टोरियल निकालेंगे उसको पहले यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद उसमें से एक घटाएंगे और गुना करते जाएंगे। तो n माइनस वन, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो n माइनस टू, इसमें से एक घटाएंगे तो n माइनस थ्री, और तब तक लिखेंगे जब तक कि क्या ना आ जाए, वन ना आ जाए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब किसी भी एक संख्या का आप फैक्टोरियल निकालिए, जैसे पाँच का फैक्टोरियल निकालते हैं। तो पाँच का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, पाँच लिख दिया हमने, यहाँ पे एक घटा के चार, फिर एक घटा के तीन, फिर एक घटा के दो और एक, एक तक आ गए छोड़ देंगे, गुना कर देना है। पाँच चौका बीस, या साठ दुना 120, एक कम 120, तो पाँच का फैक्टोरियल कितना हो गया 120। अच्छा एक और चार का फैक्टोरियल आप निकाल के देखिए, चार का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, चार लिखेंगे फिर एक घटाएंगे, तीन गुना दो गुना एक, ये हो गया। तो चार तिया बारह दुना 24, ये हो गया चार का फैक्टोरियल। ये वाला कॉन्सेप्ट जरा इसमें यूज करें, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक चार गुना तीन गुना दो गुना एक, ये चार के फैक्टोरियल हैं। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पाँच के फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल, सही है, लिखा जा सकता है। सिमिलरली जिस तरीके से पाँच के फैक्टोरियल को हमने लिखा पाँच गुना चार का फैक्टोरियल, वैसे ही क्या एन के फैक्टोरियल को नहीं लिखा जा सकेगा एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ से आगे का फैक्टोरियल ही तो है ये, तो एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम n माइनस वन का फैक्टोरियल का फार्मूला निकालते हैं, तो इसको एक तरफ रहने दीजिए और n को दूसरे तरफ भेजेंगे। तो n माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल बाई, ये नीचे जाएगा तो n, और चूंकि हमें जीरो का फैक्टोरियल चाहिए तो n के जगह क्या रखना होगा, वन रखना होगा, तो पुट n इक्वल टू वन। तो यहाँ पे वन करेंगे तो वन माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन का फैक्टोरियल बाई वन इज इक्वल टू वन का फैक्टोरियल कितना हो गया, वन, और नीचे में वन तो वन। अब यहाँ से वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल यहाँ वन के इक्वल हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रूफ के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।